22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के मनेर विधानसभा के गांधी मैदान में सोमवार को एनडीए की बैठक हुई, जिसमें एनडीए प्रत्याशी रामकृपाल यादव शामिल हुए। मधेपुरा में हुए चुनावी सभा में शरद यादव द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए बयान पर केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। वहीं मधेपुरा में हुई चुनावी सभा को संबोधित करते हुए शरद यादव ने खुले मन से कहा था कि यदि नरेंद्र मोदी फिर से जीत गए तो या तो वो उन्हें जेल में डाल देंगे या फिर मोदी उन्हें मरवा देंगे। शरद यादव के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि शरद यादव एक वरिष्ठ नेता और गंभीर व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। ऐसे गंभीर व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को इस तरह का हल्का बयान देना शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा कि शरद अपने आने वाले हार से बौखला गए हैं, इसलिए इस तरह के उठपटांग बयान दे रहे हैं। माननीय शरद यादव ये एक सीनियर नेता है, उनके मुंह से इस तरह की बात मैं लगता हूं कि उचित नहीं है। सीजंड हैं, बड़े नेता हैं, देश में उनकी पहचान है, गंभीर हैं, और गंभीर व्यक्ति हल्की बात करे। अच्छा बताइए कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं कि नहीं हैं? अभी हैं ना, क्या हो गया? हार का प्रतीक है, वो हार रहे हैं और इसी तरह से उठपटांग बयान देने का काम कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने सबकी भलाई की है, और इस तरह का स्टेचर का बड़ा नेता इस तरह की छोटी बात करे, प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करे, दुर्भाग्यपूर्ण है। और हार का हताशा में हार का स्वीकार लिया, हार जब हार स्वीकार ही लिए तो किसी को मत देने का मैं समझता हूँ कि हमको लगता है जनता वह मत भी नहीं देगी इनको। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शरद यादव ने हार स्वीकार कर ली है, इसलिए उन्हें इस बार के चुनाव में जनता वोट नहीं देगी। उन्होंने कहा कि इतने बड़े नेता द्वारा इस तरह का छोटा बयान बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं रामकृपाल यादव ने कार्यकर्ताओं को कहा कि हर पंचायत, हर बूथ स्तर पर बारीकी से ध्यान रखने के साथ साथ हर छोटी से छोटी तैयारियों पर नज़र रखने की अपील की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है कि वे सभी चुनावी सभाओं में बिना मुद्दे के जा रही है, इसलिए हर जगह से उठपटांग बयान आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता विपक्ष के झांसे में नहीं आने वाली, इस बार नरेंद्र मोदी की लहर है और दोबारा एनडीए की ही सरकार बनेगी।